बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किए थे फॉर्मल लॉजिक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। आज हमारा फॉर्मल लॉजिक का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर से हमने डिस्कस किया था आर्ग्यूमेंट्स, प्रीमिसेस एंड कंक्लूजंस, उसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी 1.1 में। आज हमने स्टार्ट करना है रिकॉग्नाइजिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओवरव्यू, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम नॉन आर्ग्यूमेंट्स, के आर्ग्यूमेंट्स को और नॉन आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज इन्फ्रेंशियल क्लेम्स, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इन्फ्रेंशियल पैसेजेस और नॉन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ डू वी रिकोगनाइज आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स को हम किस तरह रिकोगनाइज करते हैं। इन ऑर्डर टू बी एन आर्ग्यूमेंट, अ पैसेज मस्ट सेट आउट टू प्रूव समथिंग। आर्ग्यूमेंट में हमने क्या पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि वो कोई इस तरह किसी चीज़ का जो प्रिमिसेस होते हैं वो किस तरह किसी चीज़ का क्लेम करता है, और जो कंक्लूजन होता है वो उस क्लेम को सपोर्ट करता है। अब हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स क्या थी फॉर प्रूविंग समथिंग। एटलीस्ट वन स्टेटमेंट मस्ट क्लेम टू प्रेजेंट एविडेंस और रीजन। हमने क्या पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें, प्रिमिसेस और कंक्लूजन। प्रीमिसेस जो होता है वो हमें एविडेंस या फिर कोई रीजन देता है, उसका क्लेम करता है। और देन मस्ट बी अ क्लेम डैट समथिंग फॉलोज फ्रॉम द एविडेंस, डैट द एविडेंस इम्प्लाई समथिंग। और सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या करता है, जिस चीज़ को जो प्रीमिसेस ने क्लेम किया होता ना उस क्लेम को सपोर्ट करता है हमारा कंक्लूजन। ठीक हो गई, दो चीज़ें हो गई। अब एसेंशली एन आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव एट लीस्ट ऑन वन स्टेटमेंट डैट एक्ट्स एज अ प्रीमिसेस, एट लीस्ट वन स्टेटमेंट डैट एक्ट्स एज अ प्रीमिसेस एंड देयर मस्ट बी अ क्लेम डैट इम्प्लाइज अ कंक्लूजन। क्या हमने बात किया कि एक आर्ग्यूमेंट में एटलीस्ट वन प्रीमिसेस होना चाहिए और क्लेम किसे करता है, कंक्लूजन को। कंटिन्यू, The evidence does not have to be real, truthful, nor do the premises need to support the conclusion, but the claim itself must be present. देखें इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो evidence है ना does not have to be real, जो हम premises में उससे evidence दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो real हो या फिर सच हो। Not to the premises support the conclusion, और ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि जो हम premises दे रहे हैं वो conclusion को support करे। बट द क्लेम इट सेल्फ मस्ट बी प्रेजेंट, लेकिन उसमें जो क्लेम है ना वो मौजूद होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस वेदर एन आर्ग्यूमेंट इज गुड और बैड, बट दे चेंज द फैक्ट दैट इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। देखें क्या कह रहे हैं कि जो हमने उसे एविडेंस देना है ना वो रियल हो सकता है कि वो रियल हो, और ये भी हो सकता है वो रियल ना हो, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हम प्रीमिसेस दे रहे हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई, बट द क्लेम इटसेल्फ मस्ट बी प्रेजेंट, लेकिन उसमें कोई ना कोई क्लेम मौजूद है। अब हम इसको ये है कि अगर जो प्रीमिसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बैड आर्ग्यूमेंट है, और अगर जो प्रीमिसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा तो हम कहेंगे कि ये गुड आर्ग्यूमेंट है। ये वही चीज़ है कि स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन, प्रीमिसेस प्लस कंक्लूजन मिलकर क्या बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्लियर। अब फैक्चुअल क्लेम, फैक्चुअल क्लेम क्या होता है, फैक्चुअल क्लेम्स आर दोज एक्सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, ये वाली, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट मस्ट बी क्लेम टू प्रेजेंट एविडेंस और रीजन। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। और जो फैक्चुअल क्लेम है ना वो हमें इसको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। फैक्चुअल क्लेम जो है आर दोज एक्सप्रेस बाय द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या हमने कहा है, प्रीमिसेस मौजूद होते हैं। क्लेम्स दैट कैन बी प्रूवन विद डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड रिलायबल सोर्सेज। और जिस चीज़ का हम इसमें क्लेम करते हैं ना उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, विद डाटा, ऑब्जर्वेशन और रिलायबल सोर्सेज के साथ प्रूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अ ह्यूज रॉक फ्रॉम स्पेस स्ट्रक द गोल्फ कोस्ट 65 मिलियंस ईयर्स अगो, यू कैन प्रूव दिस क्लेम बाय स्टडिंग दिस जियोलॉजी ऑफ द रीजन। अ ह्यूज रॉक के ये हमने एक क्लेम किया हुआ है कि अब हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं अगर हम जियोलॉजी को स्टडी करें कि ये क्लेम हमारे पास सच है या झूठ है।
जिसमें कोई ना कोई क्लेम हो और जिस क्लेम को हम ऑब्जर्वेशन से या फिर कोई ना कोई बुक पढ़ के हम प्रूव कर सकें, उसे हम फैक्चुअल क्लेम कहते हैं, इन्फ्रेंशियल क्लेम्स। आवर फोकस विल मेनली डील विद इन्फ्रेंशियल क्लेम्स विच आर रिफ्लेक्टेड बाई द सेकेंड कंडीशन। ठीक हो गया। फैक्चुअल में हमने बात की थी कि वो फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, और जो हमारे पास इन्फ्रेंशियल है वो सेकेंड कंडीशन से एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट में हमारे पास प्रीमिस है, और जो सेकंड है वो हमारे पास कंक्लूजन है। देयर मस्ट बी अ क्लेम दैट समथिंग फॉलोज फ्रॉम द एविडेंस दैट द एविडेंस इम्प्लाइज समथिंग। इस जो हमने यहाँ पे क्लेम किया उस क्लेम को सपोर्ट करता है कंक्लूजन में। दे क्लेम दैट अ पैसेज एक्सप्रेसेज अ सर्टेन रीजनिंग प्रोसेस। सर्टेन रीजनिंग प्रोसेस, वन थिंग इम्प्लाइज सपोर्ट टू एन अदर और दैट समथिंग फॉलोज फ्रॉम समथिंग। हमने यहाँ पे क्या बात किया है, जो प्रीमिसेस होता है उसकी बेस पे जो कंक्लूजन होता है वो प्रीमिसेस को सपोर्ट कर रहा होता है। वन थिंग इम्प्लाइज सपोर्ट टू एन अदर, कि जो हमारे पास प्रीमिसेस है उसको सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन, और डैट समथिंग फॉलोज फ्रॉम समथिंग, और प्रीमिसेस की बेस पे हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। इन्फ्रेंशियल क्लेम्स कैन बी ईथर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जो इन्फ्रेंशियल क्लेम्स है वो हमारे पास एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं। देखें, आर्ग्यूमेंट्स मेक अ फैक्चुअल क्लेम। आर्ग्यूमेंट्स मेक अ फैक्चुअल, जब आर्ग्यूमेंट फैक्चुअल क्लेम बना रहे हो डैट द प्रीमिसेस आर ट्रू, तो इसका मतलब फैक्चुअल क्लेम में हम प्रीमिसेस की बात करते हैं, इसका मतलब कि प्रीमिसेस ट्रू है। और जो हमारे पास इन्फ्रेंशियल क्लेम है ना डैट प्रीमिसेस फॉर द कंक्लूजन, हमने यहाँ पे बात की है ना कि ये फर्स्ट फैक्चुअल जो फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या हमने पढ़ा प्रीमिसेस, और इन्फ्रेंशियल को हमने क्या कहा है कि सेकेंड कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। डायरेक्ट प्रीमिसेस फॉर द कंक्लूजन, इसका मतलब है कि जो कंक्लूजन है प्रीमिसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है। अब हमने क्या पढ़ा, इन्फ्रेंशियल के टू टाइप्स पढ़ रही हैं, मतलब टू टाइप्स का हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल क्लेम्स। एक्सप्लिसिट इन्फ्रेंशियल क्लेम्स, एंड एक्सप्लिसिट इन्फ्रेंशियल क्लेम इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट दैट इज रिकग्नाइजेबल बाय द यूज ऑफ प्रीमाइज और कंक्लूजन इंडिकेटर थर्स बिकॉज फॉर देयर फाइनल स्टेटमेंट। अच्छा, इन जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इन्फ्रेंशियल क्लेम है ना, ये जो हमारे पास इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट का रिलेशनशिप है ना, इसको हम किस तरह रिकोगनाइज करते हैं, विद द यूज ऑफ प्रीमिसेस और कंक्लूजन इंडिकेटर्स। कि इसमें हमारे पास यूज क्या आ जाते हैं, प्रीमिसेस और कंक्लूजन इंडिकेटर्स। देखें, जैसे हमने पीछे 1.1 में एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस की थी ना, वही है। मैट पोस्ट डिजीज is spread by feeding pots of infected animals to cows, and this practice has yet to be completely eradicated. Thus, mad cow disease continues to pose a threat to people who eat beef. अब देखें, अच्छा हमने क्या बात की है कि ये किससे क्या करता है, ये ऐसा relationship है between statements जो कि हम use करते हैं प्रीमिसेस और कंक्लूजन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। और अब हमने एक एग्जांपल लिया, मैट कॉज इस डिजीज बाय फीडिंग द पॉट्स, इसमें हमने क्या यूज़ किया, कंक्लूजन इंडिकेटर, कि मैट कॉज डिजीज, अब ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, ये देख लें, टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल क्लेम एक्सप्लिसिट हो गया, अब हमारे पास इम्प्लिसिट। Implicit inferential claim, there must be an implied relationship between the statements in a passage through there are no indicator words are used. उसमें हमने explicit में क्या बात की थी कि हमारे पास conclusion या फिर premises indicator use होते हैं, और इसमें हमारे पास no argument, no indicators, कोई भी indicator इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गई बात। इसकी example देख लेते हैं, जो genetic modification of food is risky business, genetic engineering can introduce unintended changes into the DNA of the food producing organisms and these changes can be toxic to the consumer. देखें, अब इसमें भी हम किसी ना, यहाँ पे हम premises दे रहे हैं, इसमें भी देखें, ये हमारे पास premises है, ये भी हमारे पास premises है, और इसके base पे हम एक conclusion निकाल रहे हैं without using इंडिकेटर्स, इसमें हम इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक हो गया।
दो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं हम, जो स्टेटमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप है ना, वो हम कंक्लूजन और प्रीमिसेस इंडिकेटर्स को यूज़ करके शो करवाते हैं। और जो इम्प्लिसिट है उसमें हम कंक्लूजन और प्रीमिसेस इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करते। आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।